ये दुरूद पाक आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर कर देगा। हदीस पाक में एक हदीस सुना देता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि तुम में से कोई शख्स किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पढ़े, क्योंकि दुरूद उसकी मुसीबतें और परेशानियों को ले जाएगा। अब बताओ और क्या चाहिए, तो क्यों नहीं पढ़ते? तो आज ये नीयत करके जाएं। पहला मैसेज आज के इज्तिमा का, जो पहला चेंज मेरे और आपके अंदर आना चाहिए, वो ये है कि हम कसरत से चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दें। आप अपनी आंखों से इसका फायदा देखेंगे, दुनिया में भी देखेंगे, इंशाल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नातें मुझसे पहले भी हो रही थी और आज मैं इंशाल्लाह आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सबसे बड़ा मौजजा है, पहले वो अर्ज करता हूँ और फिर इंशाल्लाह एक निराले अंदाज में आपको कुछ नात के बारे में भी बताता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जब भी जिक्र खैर होता है, आम के जब हम मौजजात के बारे में सुनते हैं, मिराकल्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी एक आशिक रसूल नबी पाक के मौजजात के बारे में सुनता है ना, वो बड़ा ही एनर्जेटिक फील करता है। नबी पाक सुभान अल्लाह क्या शख्सियत थे कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करते दो टुकड़े हो जाता, दुआ फरमाते थे सूरज पलट आता, मेरे आका अलैहिस्सलाम किसी खारी कुएं में कुल्ली फरमाते थे वो मीठा हो जाता, नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ी खजूरों पर या थोड़े खाने पर दम फरमाते वो सैकड़ों हजारों को पूरा होता, सहाबा प्यासे होते तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते और आका दुआ फरमाते तो बारिश हो जाती और कभी किसी सहाबी की आंख बाहर आती और मेरे आका दम करके वापस लगाते तो पहली आंख से ज्यादा रोशन हो जाती। मौजजात ही मौजजात हैं, कितने मौजजात हैं। सैयद आला हजरत कहते हैं ना, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, है सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल दहन फूल, आका तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तेरे आका वो है, लेकिन हम ये सुनते हैं, आई विटनेस तो नहीं है ना, देखा तो नहीं है, जब सुनते हैं तो इतना मजा आता है। जिन सहाबा ने देखा होगा उनका मुकद्दर कैसा होगा है? मौला अली की किस्मत सोचो कि आका उनकी गोद में आराम कर रहे हैं और जब दुआ की तो उनके सामने ही सूरज पलटा होगा ना। है हजरत अबू बकर सिद्दीक की किस्मत देखो कि सांप ने काटा था, जहर नजर आ रहा है मगर नबी पाक के लुआबे दहन से जहर चला गया। ये सारे मौजजात सहाबा देखते थे, मगर आप जानते हैं एक मौजजा ऐसा है जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, हम आज भी उसकी बरकतें लूट सकते हैं। बाकी मौजजात तो हमने नहीं देखे, और मजे की बात यह है कि वो जो मिराकल है, वो जो मौजजा है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजजा है और उसको आज़मुल मौजजात कहा जाता है, द बिगेस्ट मिराकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मौजजा क्या है? वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। 1400 साल, 1450 साल अप्रोक्सीमेटली हो गए, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं हो सका। कुरान कैसा मौजजा है, खुद कुरान कहता है कि अगर इसको किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाता, मगर अल्लाह करीम ने कल्ब मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो मकाम और वो हिम्मत अता की कि कुरान नबी पाक के मुबारक दिल पर नाजिल होता रहा और आप इसकी जो बोझ है, इसका जो थकल है, उसको यूं समझिए अल्लाह की रहमत से उठाते रहे और हम तक पहुंचाया। कुरान मजीद एक शानदार एजाज जो हमारी आंखों के सामने है, दुनिया की जो आपकी फेवरेट बुक हो, लोग कुछ किताबों के शौकीन होते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं मेरी फेवरेट बुक मेरी लाइब्रेरी में है, उनसे पूछो कितनी बार पढ़ी है, एक बार, दो बार, मुश्किल से तीन बार, बहुत बड़ी किताब हो, बहुत मशहूर हो तो चार बार पढ़ लोगे, फिर अब और कितनी पढ़ोगे? तीन चार बार बाद किताब पढ़ने को जी नहीं चाहता। कुरान वो है, हजार बार पढ़ लो हर बार नया लुत्फ देता है। कुरान पुराना नहीं होता, ये कुरान की वो शान है जो आपकी मेरी आंखों के सामने है। कुरान सही पढ़ने वाला मिल जाए, समझ नहीं आता फिर भी आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं, ये कुरान की रूहानियत है। दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं जो लाखों दिलों में महफूज है। जबरदस्त पेश का फर्क नहीं, 5-6 साल का बच्चा जिसकी मादरी जबान पंजाबी, मेमनी, उर्दू, सिंधी होती है, मगर अरबी का कुरान पूरा उसे याद हो जाता है। ये अपनी हमारी आपकी आंखों के सामने ये मौजजा मौजूद है। मगर मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम कुरान से कितना फैजियाब होते हैं,
हम कुरान कितना पढ़ते हैं, ये नबी पाक का वो मौजजा है जो हर घर में मौजूद है, मगर हमारा और आपका कुरान से ताल्लुक कितना है। जब भी नई दुकान लेंगे खत्म कुरान करवाएंगे, जब भी नया घर लेंगे खत्म कुरान भी कराएंगे और एक कुरान पाक ऊपर रख देंगे घर के अंदर बरकत के लिए। कुरान सिर्फ हमने चूमने के लिए, बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए रखा है। कुरान में खजाना क्या मौजूद है उसको तलाश करने की किसको फिक्र है? आपको मालूम है इसमें कितना खजाना है और हमने इसमें से क्या लिया है? मैं आज इसी टॉपिक पर चंद मदनी फूल कुरान की ही बात करेंगे। इस एक वाक्य से मजीद इसको एलोब्रेट कर देता हूं, फिर बात को लेकर आगे चलते हैं। एक बूढ़ी खातून थी, उसका बेटा जो है वो अब्रॉड जो है पैसे कमाने गया। वो माँ गरीब थी बेचारी, बीमार भी थी, बेटे से मोहब्बत बहुत करती थी। बेटा हर महीने माँ को एक लेटर भेजता, बेटा वो लेटर माँ को जब वो लेटर मिलता, अनपढ़ थी बेचारी, उस खत को लेती, चूमती और कहती मेरे बेटे ने बाहर से विलायत से खत भेजा, एक ड्रॉ में रख देती। दूसरे महीने फिर खत आया, फिर चूमा, फिर उसने दराज में रख दिया। तीसरे महीने फिर खत जमा होते गए, माँ बीमार होती गई, खाने को था कुछ नहीं, इलाज को पैसे नहीं, आखिर बूढ़ी माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब लोगों ने उसका घर साफ किया, ड्रॉ खोली तो बहुत सारे एनवेलप, और जब उन एनवेलप्स को खोला ना तो उन तमाम खतूत के अंदर मनी ऑर्डर था। बेटा हर महीने पैसे भेजता रहा, अनपढ़ माँ को पता ही नहीं था कि ये पैसे हैं। पैसे मिल जाते इलाज भी कराती, खुराक भी अच्छी खाती, पता ही नहीं था, वो चूम के रख देती थी दराज के अंदर। ये एग्जाम्पल है। आज हम क्या कर रहे हैं कुरान के साथ? चूमते हैं और रख देते हैं। हमें नहीं पता इसमें मेरे और आपके लिए कितने खजाने मौजूद हैं। पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या कुछ मौजूद है। अब आओ, मैं सिर्फ नात खानी की बात चूंकि चल रही थी, आज मैं आपको सिर्फ कुरान से नबी पाक की नात सुनाता हूं। कि सिर्फ कुरान को अगर इस नजर से देखा जाए कि कुरान शाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे बयान करता है, इतनी आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं, मगर मैं एक जायजा मुख्तसरन आपको पेश करता हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो। वो पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं ना कि दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। अब आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं होंगी और आप सुनते जाइए और ईमान ताजा करते जाइए कि मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान में किया तो किस शान से किया। सुभान अल्लाह, सूरह फतहा आयत नंबर 29 में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्तफा करार दिया। मुस्तफा का मतलब समझते हो? चोजन वन, सेलेक्टेड, मुंतखब हुआ हुआ। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनो, आप अलैहिस्सलाम को सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में मुजतबा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम को सूरह जिन की आयत नंबर 27 में मुर्तजा के लकब से याद किया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह मायदा आयत नंबर आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में बुरहान यानी रोशन दलील फरमाया। सूरह अहजाब आयत नंबर 40 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबीयीन फरमाया। सूरह अहजाब आयत नंबर 45 में शाहिद यानी हाजिर व नाजिर, सिराजम मुनीर यानी चमकता हुआ सूरज, दाई इलल्लाह यानी अल्लाह पाक की तरफ बुलाने वाला फरमाया गया। सूरह यासीन की आयत नंबर 1 में यासीन। सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुज़म्मिल फरमाया। सूरह मुद्दसिर आयत नंबर 1 में मुद्दसिर फरमाया गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोमिनों पर अपना एहसान फरमाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम आलमीन के लिए रहमत फरमाया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्के अजीम फरमाया। सुभान अल्लाह, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में साहिबे मेराज फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहिमी, तो सूरह सौफ आयत नंबर 6 में
बशारत ईसा फरमाया सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिब कौसर, तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में साहिब मकाम महमूद फरमाया। जरा गौर कीजिए, यह है कुरान का एक मुख्तसर जायजा। या मुहम्मद मुहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। तो सुभान अल्लाह, ये सिर्फ कुरान का एक वस्फ मैंने बयान किया। और अब मैं कुरान से एक और बात आपके सामने पेश करने आया, जो मेरे बयान का मेन टॉपिक है कि आज एक डिबेट होती है, हु इज सक्सेसफुल, कामयाब कौन है, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा शोहरत वाला, ज्यादा सुकून वाला, या जिसने दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया, सक्सेसफुल कौन है। और हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं दुनिया में कामयाब लोगों में शामिल हूं। सच बताओ, कौन बताएगा कि कामयाब कौन है? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे, ये जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने ये कायनात बनाई, वो बताएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कामयाब लोगों के बारे में बताया, सक्सेसफुल कौन है। और ये 18वें पारे की जहां से स्टार्ट होता है सूरह मोमिनून, इसकी जो शुरू की 10 आयतें हैं, सुभान अल्लाह, इसको जरूर पढ़िएगा। अभी मैं बयान करूंगा, लेकिन मैं आपको दावत दूंगा घर जाकर भी पढ़िएगा, कि इसमें सिर्फ 10 आयतों में अल्लाह करीम ने बता दिया कि कौन कामयाब हैं और उनके औसाफ क्या हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, वो क्यों कामयाब हैं। और सिर्फ कामयाब लोगों के बारे में ना बताया, उसका रिवॉर्ड भी बता दिया, उसका इनाम भी बताया कि इन कामयाब लोगों को मिलना क्या है। अब कुरान से जरा सुनिए, कामयाब लोगों की जबानी, कामयाब लोगों की कहानी कुरान की जबानी। आइए मैं आपको बताता हूं, ये सूरह मोमिनून कैसी शानदार सूरत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती थी ना, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरा अकदस के पास मक्खियों की भुनभुनाहट की आवाज सुनाई देती थी। तो एक दिन जब वही नाजिल हुई तो ये जब ये कैफियत खत्म हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने किबला रूह होकर खड़े होकर दुआ मांगी कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमें ज्यादा अता करना और कमी ना करना, हमें इज्जत देना और जलील ना करना, हमें अता फरमाना और महरूम ना रखना, हमें चुन ले और हम पर किसी दूसरे को न चुन। नबी पाक ने दुआएं की और फिर फरमाया अल्लाह अज़्ज़वजल हमसे राजी हो जा। उसके बाद इरशाद फरमाया कि मुझ पर 10 आयतें नाजिल हुई हैं। ये उन आयतों के नाजिल होने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कैफियत बता रहा हूं, मुझ पर 10 आयतें नाजिल हुई हैं, जिसने इन मजकूर बातों को अपनाया वो जन्नत में दाखिल होगा। तो आज मैं आपको बहुत शॉर्ट लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट बयान करने नहीं आया है। अगर जन्नत में जाना है, आप सुनेंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा शॉर्ट करके हमें बता दिया कि सक्सेसफुल कौन है। अब सुनते जाइए और साथ साथ ये नियत करते जाइए कि अगर अब भी अपनी उम्र के ही हिस्से में भी मैं इन कामयाब लोगों में शामिल नहीं होऊंगा तो फिर कब होऊंगा, फिर कब मैं इस तरफ आऊंगा। तो गौर से सुनना है और इस नियत से सुनना है कि रब करीम ने जो हमें कामयाब लोगों का रास्ता बता दिया है, मैंने लेफ्ट राइट नहीं होना है, अब मैंने इस पर चलना है ताकि मैं भी उन कामयाब लोगों में शामिल हो जाऊं। मेरा रब जिसे कामयाब कहे, ऐ काश इस रबीउल अव्वल के महीने में मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलहल मुमिनून, पहली आयत अल्लाह ने फरमाया बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले, यानी बगैर ईमान वाले तो कामयाब नहीं है। पहली कैटेगरी क्या है, पहुंचे कौन, ईमान वाले। अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मुसलमान हैं, तो पहली बात पर तो हम अमल कर रहे हैं। अब चलते हैं, अल्लाह फरमाता है कि वो कैसे ईमान वाले हैं, हैं? उन लोगों के औसाफ क्या हैं, फरमाया अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशिऊन, तर्जमा जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू वाले हैं। नमाज पढ़ते हैं मगर तवज्जो नमाज में है, फोकस है नमाज में, खुशू व खुजू है। हमारे असलाफ के बारे में तो आता था कि वो ऐसे नमाज पढ़ते थे कि एक बुजुर्ग के बारे में आता, उनके बराबर में एक घर था तो बच्ची कहती माँ वो रोज छत पर एक सुतून नजर आता था, वो अब नजर नहीं आ रहा। तो माँ ने बताया बेटा वो सुतून नहीं था, वो बुजुर्ग थे जो रात को नमाज पढ़ते थे। इस तरह खड़े होकर अदब के साथ, फोकस के साथ, अल्लाह की बारगाह में जैसे हाजिर होना है, ऐसे नमाज पढ़ा करते हमारे असलाफ। मगर आज हमारा हाल क्या है कि नमाज में सारे हिसाब किताब, सारे ख्यालात हमें नमाज में ही आने हैं। कभी टेस्ट लेना हो ना अपनी नमाज का,
तो कभी भी, जैसे आज जिन्होंने ईशा की जमात से नमाज पढ़ी हो, ये जब भी आप नमाज तिलावत वाली नमाज पढ़ें इमाम साहब के पीछे, सलाम फेरते ही जरा अपने आप से पूछें, यार इमाम साहब ने तिलावत क्या की थी, तो सलाम के बाद भी याद नहीं होगा कौन सी की थी, क्योंकि ध्यान तो कहीं और था। वो एक बड़ा मशहूर चुटकुला है ना, एक साहब थे, वो उनकी जमात चली गई तो वो रोने लग गए। तो दोस्तों ने कहा, यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम बड़े फिक्र है लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है। कहते नहीं, इसलिए नहीं रो रहा कि जमात चली गई, मैं रोज़ाना दुकान बंद करके ईशा की नमाज में चार फर्ज में अपने हिसाब कर लेता था, अब खुद करना पड़ेगा। मतलब समझाने के लिए कि आज हमारी नमाजों का ये हाल है, ना करें ऐसा। नमाज में फोकस कैसे मिलेगा? पहले तो नमाज पढ़ें, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यह कि बड़ी तादाद तो नमाज ही नहीं पढ़ती। नमाज पढ़ें और फिर नमाज में फोकस हो, और उस फोकस का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसका आसान तरीका यह है कि जो कुछ आप नमाज में पढ़ते हैं ना, उसका तर्जमा याद कर लें। जब आपको तर्जमे के साथ नमाज याद होगी ना, तो आपको पता होगा कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। जो सूरतें आप नॉर्मली पढ़ते हैं उसका तर्जमा पढ़ लें, तीन चार बार पढ़ लें तो याद हो जाएगा। और नॉर्मली 30वां पारा 30th पारे से इमाम साहब भी तिलावत कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो 30th पारा अगर आपने तर्जमा और तफसीर से पढ़ा हुआ होगा तो आपका नमाज में दिल लगेगा। यकीन करें, जिसको समझ आता है ना कुरान, और कभी इमाम साहब तिलावत अच्छी करने वाले हो तो जी नहीं चाहता इमाम साहब रुकू में जाएं, ये और सुनाए रब की बातें, ये और बताएं हमें कुरान। लेकिन मसला ये कि जिसको समझ आ रहा है उसको ये लुत्फ आ रहा है ना, तो कुरान का लुत्फ लो। कुरान की जो आपकी नमाज है वो अगर खुशू व खुजू वाली है, तो ये कामयाब लोगों का पहला वस्फ है कि ईमान वाले हैं और नमाज में खुशू व खुजू इख्तियार करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, अगली आयत वो क्या है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर जो आयतें नाजिल हुई उसमें फरमाया गया वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मुरिदून, और वो जो फजूल बात से मुंह फेरने वाले हैं, फजूल बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते। आज हमारा हाल क्या है कि उन बातों में जिंदगी ज्यादा गुजर रही है ना, जिसका दुनिया में फायदा है ना जिसका आखिरत में फायदा है। टाइम, लोग कहते हैं टाइम पास कर रहा हूं, अल्लाह के बंदो ये टाइम कीमती है, एक एक सांस कीमती है, इसमें नेकियां कमा लो, आखिरत की तैयारी कर लो, या चले रिस्के हलाल कमाएं, लेकिन फजूल कामों में टाइम सर्व कर रहे हैं। कामयाब लोगों का वस फरमाया कि वो फजूल बातों की तरफ, फजूल कामों की तरफ इल्तिफात नहीं करते। अहदीस में आया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि वो ला यानी चीज छोड़ दे, यानी जो चीज कार आमद ना हो उसमें ना पड़े, जबान दिल और दीगर आजा को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे ना करे। मिसाल के तौर पे चार दोस्त बैठेंगे और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, भाई आपको खरीदने डॉलर, अच्छा सोने का क्या दाम हुआ, पेट्रोल किधर पहुंचा, अरे ना लेने आना देना खाली खाली टाइम, अच्छा फिर उसके बाद मुल्क में क्या हो रहा है, फला मुल्क में क्या हो रहा है, अच्छा आजकल उस मुल्क का वीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा, ना पासपोर्ट बना हुआ नहीं है उस मुल्क के वीजे की बातें करनी है, खाली खाली बस कुछ तो बात करनी है ना, है इतनी देर घंटा दो घंटा गपशप हुई, बातचीत हुई, मिला क्या आपको। हालांकि जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहो ना अल्लाह अकबर। आपको पता है इन 30 सेकंड में आपने क्या कमा लिया। कारोबारी लोग बैठे हैं यहां पर ना, बड़े कैलकुलेटेड लोग बैठे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े कारोबारी लोग बैठे हैं। आप तो कैलकुलेट करते हो ना महीने में कितने कमाए। मैं एक बार बैठा था, ऐसे हिसाब किया मैंने, मैंने कहा यार जो बंदा 10 लाख रुपए कमाता है महीने के, ठीक है वो रोज कितने कमाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 33,000 रुपए आया हिसाब, ठीक है रोज के 33,000 उसकी एवरेज कमाई हो गई, घंटे के कितने कमाता है, तो हिसाब किया तकरीबन 1200-1300 रुपए उसका घंटा हो गया, मिनट के कितने कमाता है, तो तकरीबन 200-225 रुपए उसका मिनट हो गया, 30 सेकंड में कितने कमाता है, तो करते करते 100 रुपए पे आ गई बात। 10 लाख रुपए महीने कमाने वाला 30 सेकंड में 100 रुपए कमाता है, अगर वो 20 लाख कमाता है महीने के तो 200 रुपए हो गए 30 सेकंड के, ऐसे ही ना 5-10 रुपए का आगे पीछे हिसाब होगा। मैं दिमाग से ही कर रहा हूं, कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूं, ठीक है समझाने के लिए। 30 सेकंड में 500-1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते, बड़े से बड़ा आदमी अगर इधर बैठा है, करोड़ों रुपए महीने कमाने वाला भी इसके 30 सेकंड 1000 रुपए के बनते हैं, ठीक है ना। अब जितने बैठे हो ना सारे हम अपने पैसे मिला लेते हैं, क्या हम सबके पास ये पावर है कि हम मिलकर जन्नत में एक दरख्त खरीद लें? इज देयर एनीबॉडी हैव अ पावर टू बाय अ ट्री इन हेवन? है कोई हम में से ऐसा? हम में से किसी के पास ये पावर नहीं है, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख लग जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख लग जाता है। दो दो घंटे दोस्तों में बैठकर फजूल बातें कर रहे हैं, मोबाइल पर बैठे
दो घंटे के बाद पूछो क्या देखा, पता नहीं क्या देखा, बस घुमा ही रहा था, दो घंटे निकाल दिए। ये तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू है? कितने हराम काम देख लिए, कितने म्यूजिक सुन लिए, कितनी बदनिगाही हो गई, सोचा ही नहीं तुमने। बुजुर्गाने दीन का माइंडसेट कैसा था? ये कारोबारी लोग बैठे ना, आपका एक सीजन होता है, लोग कहते हैं भाई आजकल प्रॉपर्टी का सीजन है, घूमना फिरना बाद में, आजकल जरा काम चल पड़ा है, डिफेंस चल पड़ा, फलां इलाका चल पड़ा है, चलते रहती बातें। कोई कहता है नहीं गारमेंट का सीजन, कोई कहता है हमारा फलां सीजन, सीजन में काम, बंदा बोलता है यार घूमना फिरना फजूल बातें नहीं, काम पे ध्यान दो, बाद में घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा ही ना। आपको पता है जब तक मेरी और आपकी सांसें हैं ना, नेकियों का सीजन लगा हुआ है, जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। मैं और आप गए, सांसें बंद, बुक ऑफ डीड क्लोज, आमाल नामा खत्म, फिर बंदा तरसेगा, ए अल्लाह भेज दे दुनिया में दो रकत नफल पढ़ लूं, मैं और नमाज पढ़ लूं, मैं और जिक्र इलाही कर लूं, उस वक्त नहीं होगा चांस, अभी चांस है, लेकिन फजूल कामों में लाइफ गुजर रही है। ना कुरान किसी ने तजवीद से पढ़ा, ना तलफ्फुज़ से पढ़ा, ना तफसीर कुरान अब तक पूरी पढ़ सके, और दुनिया भर की बहसें करवा लो। कुरान कहता है कामयाब लोग वो हैं जो फजूल बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते। आगे सुनो, कामयाब लोगों का तीसरा वस्फ, वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ू तीसरा वस कुरान बयान कर रहा है, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो इनके हाथों की मिल्क हैं, बस बेशक इन पर कोई मलामत नहीं। यानी जो हराम कामों में पड़कर अपनी जवानी को जाया करते हैं, गलत कामों की तरफ, बदकारी की तरफ जाते हैं, वो कामयाब लोग नहीं है जो अपने आप को इन हराम कामों से बचाते हैं। जो हलाल तरीका है वो ठीक है, उसके अलावा उस तरफ नहीं जाते। आज क्या हाल है? आज ये नौजवान मेरे सामने बैठे, खुदारा इन मामलात से निकलिए। कामयाब जिसको कुरान कहता है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं। आज हम सब के पास रोजी की गारंटी है, जो नसीब में है वो मिलेगा, मगर मगफिरत की गारंटी नहीं है। मगर मेरे आका अली सलातो व सलाम ने बड़ी कमाल की हदीस फरमाई कि जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। हदीस पाक सुनी होगी आपने, इसका मजमून है, आका फरमाते जो मुझे जबान की और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं। अपनी जबान को हराम कामों से बचाएं, दिल आजारियों से बचाएं, झूठ से बचाएं, और अपनी शर्मगाह को गंदे कामों से, बुरे कामों से बचाएं। ये है कामयाब लोग। मगर आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर चला हुआ है, आज कौन है नौजवान जो इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ? और अजीब मामला हो गया है जब से मोबाइल फोन इंटरनेट का जमाना आया है। खुदारा इन कामों से अपने आप को बचाएं, वरना कुरान कहता है जो कामयाब लोग हैं। मैं आगे आपको जब इनाम बताऊंगा ना, अल्लाह ने कुरान में इनाम बयान किया है अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो। क्योंकि याद रखे, बंदा कहते नहीं यार हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, और फिर शर्मगाह बहकती है। ये आंख का दरवाजा ही बंद करना होगा, हराम देखने से बचना होगा। आज जो इन कामों में पड़े हैं, सोचो आप और मैं सुरमा लगाते हैं ना, सुरमा लगाते वक्त कितना डर लग रहा होता है यार, ये सिलाई जरा ज्यादा सख्ती से ना लग जाए, क्योंकि मेरी आंख बड़ी नाजुक है, जख्म ना हो जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंख, एयरबड से कान साफ करते हैं ना, ज्यादा जोर से कभी एयरबड अंदर चला जाए तो कान में दर्द शुरू हो जाता है, इतने नाजुक है मेरे और आपके कान। मगर रिवायतों का मजमून है जो अपनी आंखों को हराम से पुर करता है, उसकी आंखों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, कैसे बर्दाश्त करोगे? कानों में जो हराम, कानों से हराम सुनता है, उनके कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, जहन्नम की आग आंखों में भर दी जाएगी, किधर जाएंगे हम, कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदारा ऐसी सोहबतें अपनाएं, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमें जो हमें हराम कामों की तरफ ले जाए। कुरान कहता है कि वो लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले जो कामयाब हैं, उन कामयाब लोगों के औसाफ बयान हो रहे हैं। आगे सुनो, कुरान कहता है फमन इब्तगा वरा ذلك فاولئك هم العادون, तो जो इनके सिवा कुछ और चाहे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। जो हलाल जरिए के बजाय हराम जरिए से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है तो वो बाउंड्री क्रॉस करने वाले हैं, वो हद से बढ़ने वाले हैं, वो बर्बाद होंगे। कामयाब लोग ऐसे नहीं हैं। आजकल लोग कहते हैं यार अपने वतन में नहीं, जरा किसी और जगह चलते हैं, किसी और जगह जाकर ये गलत काम करते हैं। याद रखो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अल्लाह तो देख रहा है ना, है? चाहे मुल्क बदल जाए, चाहे शहर बदल जाए, कोई देखने वाला नहीं। ये ख्याल होता है वालिदैन को पता ना चले, दोस्तों को पता ना चले, रिश्तेदारों को पता ना चले, तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह तो देख रहा है मैं जिधर भी चला जाऊं। अल्लाह करे कि आज के इस मीलाद इज्तिमा की बरकत से मेरे और आपके दिल में ये ख्याल, ये जुमला बैठ जाए कि मैं जो कर रहा हूं मेरा रब मुझे देख रहा है।
हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला के पास एक शख्स आया ना, कहता हजरत गुनाह करने को बच नहीं पाता हूं, बहुत कोशिश की लेकिन मैं गुनाह से निकल नहीं पाता, बुरे काम कर ही लेता हूं। आपने बड़े प्यारे एडवाइजेस दिए उसे। आप कहते हैं अच्छा ऐसा करो, गुनाह करने को जी चाहता है ना, जब भी गुनाह करने का जी चाहे ना तो ऐसी जगह चले जाओ जो अल्लाह ना देख रहा हो। कहता हजरत ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ऐसी जगह छुप ही नहीं सकता, जिधर भी जाऊं ईस्ट वेस्ट अल्लाह की तो नजरों में हूं, अल्लाह की निगाह अल्लाह की रहमत जो नजर रहमत है वो तो सब जगह है, उसकी नजरों से कैसे छुप सकता हूं। अच्छा फिर ऐसा करो, गुनाह करना है ना करो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह के मुल्क से निकल जाओ, उसके मुल्क से। अच्छी बात नहीं है ना कि अल्लाह ताला के मुल्क में रहो उसी की नाफरमानी करो। कहता हजरत जिधर जाऊं सारी दुनिया अल्लाह की है, मैं उससे बाहर कैसे निकल सकता हूं। कहा अच्छा ठीक है, गुनाह करने को जी चाहता कर लो, लेकिन ऐसा करो फिर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो। बड़ी अजीब बात है कि रिस्क भी उसी का खाओ और गुनाह भी उसी के करो, नाफरमानी भी उसकी करो। कहते हजरत कैसी बात करते हैं, जो भी खाता हूं दुनिया में जो कुछ है अल्लाह का तो दिया हुआ है, उसके रिस्क खाए बगैर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं। अच्छा चलो फिर ऐसा करो, गुनाह करने को जी चाहे करो गुनाह, लेकिन जब तुम्हारी मौत का वक्त आए ना तो मुनकर नकीरैन जो मलकुल मौत आए रूह कब्ज करने, तो उनको कह देना अभी रूह कब्ज ना करो, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं तौबा कर लूंगा। तो कहते हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, एक मिनट आगे पीछे नहीं होगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। अच्छा ये भी नहीं कर सकते, चलो फिर एक काम करो गुनाह करो, कयामत के दिन जब तुम्हारे बारे में ऑर्डर दे दिया जाना है कि इसको जहन्नम में ले जाओ, तो उस वक्त फरिश्तों को डिनाई कर देना कि नहीं मैं नहीं जाता जहन्नम में। कहता हजरत आप कैसी बात करते हैं, मैं मेरे पास क्या पावर होगा, मैं फरिश्तों को कैसे मना कर सकूंगा, वो तो घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे। फिर कमाल की एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा जब तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह की जो नजर है नजर रहमत है उससे बाहर नहीं जा सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, अल्लाह की रिस्क खाना नहीं छोड़ सकते, तुम मलकुल मौत को डिले नहीं करवा सकते, जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्तों को डिनाई नहीं कर सकते, तो फिर एक ही तरीका है गुनाह छोड़ दो ना, फिर गुनाह मत करो। तो है काश मेरे नौजवान इस बात को आज समझ लें कि जितने गुनाह है ना, मेरी बात याद रखो, आज मीलाद के सिस्टमा में ये मदनी फूल लेकर जाइए, जितने भी गुनाह है उसकी लज्जत बहुत थोड़ी है, थोड़ी देर की है। एक बुजुर्ग का कौल बड़ा कमाल का है, बड़ी कमाल की बात कह गए, कहते हैं देखो डिफिकल्टी की वजह से नेकी मत छोड़ो, क्योंकि डिफिकल्टी मुशक्कत खत्म हो जाएगी अजर बाकी रह जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी आप इज्तिमा में आए, बहुत सारे लोगों को बड़ी मुश्किल से आए होंगे ना, टाइम भी देख रहे होंगे, ऑफिस भी था, कोई मीटिंग भी थी, अपने नफ्स से लड़ाई कर आए होंगे कि नहीं यार चलते हैं, अब थोड़ी देर में दुआ हो जाएगी, आपका ये डिफिकल्ट टाइम या मुश्किल जो आपने उठाई वो खत्म हो जाएगा, मगर इंशाल्लाह इस इज्तिमा में शिरकत का सवाब बाकी रह जाएगा। फजर में उठता है बंदा है? बड़ी मुश्किल से बाज़ोकात बिस्तर से उठता है, दिल नहीं चाहता, खड़ा हो जाता है, वजू करता है, नमाज पढ़ता है, डिफिकल्टी खत्म, अब सो जाए वापस, डिफिकल्टी खत्म मगर अजर बाकी है। बड़ी कमाल की बात की कि मुशक्कत की वजह से नेकी मत छोड़ना, मुशक्कत थोड़ी देर की है खत्म हो जाएगी अजर बाकी रहेगा। मगर जो अगला जुमला है ना है मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, कहते हैं कभी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी उसका अजाब बाकी रह जाएगा, उसका जवाब बाकी रह जाएगा। थोड़ी देर का ही मजा है ना, जो बदकारी करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बेहयाई करते हैं टेलीफोन पर, इंटरनेट पर, व्हाटएवर जो भी करता है, सोचे कि थोड़ी देर का तो मजा है ना, फिल्में ड्रामे कितनी देर देखते हो, एंड ऑफ द डे तो वो खत्म हो गया ना मजा, मगर उसका जवाब बाकी है, उसका अजाब बाकी है, अगर रब नाराज हुआ तो उसकी बारगाह में पेश होकर जवाब देना पड़ेगा। तो थोड़ी देर की लज्जत के लिए क्यों मैं अपना नामा अमाल बर्बाद कर दूं। तो कुरान कहता है कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं कामयाब लोग वो हैं। आगे सुनो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आयत नंबर है 9, वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब जरा बड़ी गहरी बात उलमा ने लिखी कि पहली आयत में कहा कि नमाज खुशू व खुजू से पढ़ते हैं, अब इधर दोबारा जिक्र हो रहा है कि नमाज की हिफाजत भी करते हैं, नमाज वक्त के अंदर पढ़ते हैं, यानी नमाज की अहमियत समझो कि कामयाब लोगों का जो मेन वस्फ है वो नमाज है। अब बताइए हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, रबीउल अव्वल का महीना मेरे आका की बर्थडे का महीना है ना, दुनिया में किसी की बर्थडे होती है तो गिफ्ट देते हो ना, हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए क्या तोहफा तैयार किया आपने, बताइए ना, हैं बच्चे की बर्थडे हो तो क्या करते हैं,
जैसा जैसी बर्थडे वैसा तोहफा बच्चे की होती है, चॉकलेट देते हैं, टॉयज देते हैं, जरा बड़ा हो जाए किताबों का शौकीन हो उसको किताब देते हैं, किसी को इत्र देते हैं, किसी को लिबास देते हैं, जैसा शख्स वैसा तोहफा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए आपने क्या तोहफा तैयार किया है? अब प्यारे आका को क्या पसंद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? नबी पाक फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो ए आशिकाने रसूल आओ बस आज एक ऐसी पक्की सच्ची नीयत करके जाना है। अब मैं कुरान के जरिए भी आपको बता रहा हूं कि कामयाब लोग वो हैं जो नमाज की हिफाजत करने वाले हैं। हदीस आपको सुनाई कि आका फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो आज ये नीयत करके जाओ कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाएं कि ये दरो दीवार भी गवाह हो जाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। है इस बार मिलाद कुछ नए स्टाइल में भी मनाओ ना, ठीक है घर भी सजाएं परचम भी लगाएं, मगर मेरी जात में भी तब्दीली आए। कोई पूछे यार कि आप तो 5 टाइम नमाज पढ़ने लगे, तो आप जवाब दें कि हाँ मेरे आका का मिलाद आया और नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज है, मैंने नमाज शुरू कर दी। यार आप तो कभी कभी कारोबार में झूठ बोलते थे, अब नहीं बोलते, तो जवाब दे वो कि हाँ मैं सच्चे नबी का गुलाम हूं, उनका मिलाद आया, अब मैंने झूठ से तौबा कर दी, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यार मैं देखता था कभी कभी आप हराम रोजी भी कमा लेते थे, सूद का काम भी कर लेते थे, रिश्वत विश्वत भी कर लेते थे, तो जवाब दे वो बंदा कि नहीं जनाब मैं नबी पाक का उम्मती हूँ, मेरे आका का मिलाद आया, मैंने हराम कमाई से तौबा कर ली, अब हमेशा हलाल कमाऊंगा। फर्क आए मेरे अंदर और आपके अंदर, लोगों को पता चले कि ये आका का वाकई उम्मती है, सच्चा आशिक है। एक तरफ तो नारा लगाऊं कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, मुझे आज तक समझ नहीं आया जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? नमाजें कजा हो रही है, हराम रोजी कमा रहा है, झूठ जबान पर है और कहता है गुलामी ये रसूल में मौत कबूल है। गुलामी ये रसूल जो होती है ना वो बतानी नहीं पड़ती है। याद रखो मैं तारुफ ना करवाऊं मैं किसका उम्मती हूं, मुझे देखकर पता चल जाए ये किसका उम्मती है, मुझसे कोई बात करे उसे अंदाजा हो जाए ये नबी पाक का आशिक है, इसकी जबान पर प्यारे आका का जिक्र हो, दुरूद हो, सुभान अल्लाह, इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह, उसकी गुफ्तगू बता दे, जबान गालियां निकालती और कहे मैं गुलाम रसूल हूं। सोचो अपने आप पर, इस बार मीलाद में तब्दील हो जाओ ना, ऐ काश ये मिलाद मुस्तफा मेरी और आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, लोगों को एहसास हो, मेरी फैमिली के लोगों को पता चले यार ये बंदा बदल गया है, और आप कहें हाँ मेरे आका का मिलाद आया, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, बस मैं अब नबी पाक की गुलामी, सच्ची गुलामी वाली जिंदगी गुजारूंगा। फिर देखो ना कि कैसे मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आपको फैजान नसीब होता है। सुभान अल्लाह, अब ये आयतें सुन ली ना, अब बारी है रिवॉर्ड की, जो इन बातों पर अमल करेगा। अब सुनो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते, यकीन करें जब भी आयत पढ़ता हूं ना वो पंजाबी विच कहते हैं ना दिल में ठार पड़ जाती है, ठंड पै जाती है। सुनो क्या कहता है कुरान, कुरान कहता है जो ये लोग करने ये जो अमाल है ना ये जो करता है उसको मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, हाय हाय हाय, फरमाया यही लोग वारिस हैं, किसके विरासत में क्या मिलेगा? सुनो उलाइका हुमुल वारिसून, फरमाया अल्लज़ीना यरिसून अल-फिरदौस, ये वो लोग हैं जो फिरदौस की मीरास पाएंगे। और आगे सुनो कितने दिन के लिए, कितने सालों के लिए, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदू, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस, ये जन्नतों में भी सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जब भी अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करो अल्लाह से जन्नत जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। नबी से पाक सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत माज बिन जबल उसके रावी हैं कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, 2 दर्जों के दरमियान इतनी मुसाफत है, इतना डिस्टेंस है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितनी जमीन और आसमान के दरमियान मुसाफत है फिरदौस सबसे आला और दरमियानी जन्नत है, और उससे ऊपर रहमान अज़्ज़ा वजल का अर्श है, उससे जन्नत की नहरें निकलती हैं। जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए वो जब अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ मांगे तो जन्नतुल फिरदौस ही की दुआ मांगे। मगर कुरान ने तो इनाम फरमा दिया ना, उलाइका हुमुल वारिसून, ये वो लोग हैं जो वारिस हैं, और किसके वारिस हैं? जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। मैंने कोई बहुत बड़ी लिस्ट बयान नहीं की, इतने रोजे रखने हैं, इतने सजदे करने हैं, फजूल कामों से अपने आप को बचा लो, नमाज की पाबंदी कर लो, नमाज में खुशू व खुजू ले आओ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। हैं ये वो काम है जो इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फंसते हम पता है कहाँ हैं, हमारी सोहबतें हमारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमें बाज़ औक़ात नेकियां नहीं करने देती।
तो आज मैं आपको एक मशवरा देने आया हूं कि खुदारा अपनी सोहबतों को थोड़ा सा चेक कर लो। वो दोस्त किस काम के कि जब मैं नेकी करूं तो मेरा मजाक उड़ाए, मौलवी बन गया, नमाजें पढ़ने लग गया। वो नहीं चाहिए दोस्त मुझे, मुझे वो दोस्त चाहिए जब मैं गुनाह की तरफ जाऊं तो मुझे नेकी की तरफ लेकर आए। अहदीस में ये मजमून मिलता है कि दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। बताओ आज हमारा कोई दोस्त ऐसा है जिसको देखकर खुदा याद आए? हमारे दोस्तों को देखकर तो हमें सिनेमा याद आता है, हैं? कोई ना कोई उल्टा ही काम याद आ रहा होता है। ऐसे दोस्त बनाए जो देखकर हमें वाकई खुदा याद आए, हमें वो आखिरत की याद दिलाए, हमें हम गलत रास्ते पे जाएं तो हमारी इसलाह करे। तो माशाल्लाह देखे ना, आज ये आपके दोस्तों ने ही इज्तिमा सजाया ना। यहाँ आज कोई कंसर्ट नहीं हो रहा, आज यहाँ कोई गुनाहों का काम नहीं हो रहा, आपके पास आए, आपको दावत दी, माशाल्लाह ये अरेंजमेंट किया। ये कितनी अच्छी दोस्ती निभाई दावत इस्लामी वालों ने कि आप सबको, अच्छा कई लोगों को हो सकता है ये दावत दी गई होगी कि जनाब अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर जरा इज्तिमा में आइए। सच्ची बात बताऊं, ये कीमती वक्त तो अब हो रहा है। जो मेरा और आपका वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाए ना, वही वक्त कीमती है। इन भाइयों ने मेरा और आपका वक्त कीमती बना दिया। ये जो एक डेढ़ दो घंटे हमने गुजारे ना, ये इंशाल्लाह भरोसे कयामत भी काम आएंगे। तो ऐसे वक्त मिलते रहें, ऐसी सोहबतें मिलती रहें, उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट आपको ये करनी होगी कि जहां जहां आप रहते हैं, तकरीबन ऑल अराउंड द कराची, ऑल अराउंड द पाकिस्तान दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं, उनके साथ कनेक्शन में आ जाए, हमारे इज्तिमात में शिरकत करें। आजकल तो माशाल्लाह रोजाना मदनी चैनल पर रोजाना रात को मदनी मुजाकरों के सिलसिले होते हैं। आप मदनी चैनल को फॉलो करना शुरू करें, उसे देखें तो ये वाली बातें और सुनेंगे। अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखें, सबकी तरबियत होगी और इंशाल्लाह हम गुनाहों वाली जिंदगी से बच जाएंगे और नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। आज कुरान की बात हुई है और दावत इस्लामी कुरान को जिस प्यारे अंदाज में सिखाती है और पूरी दुनिया में जो इसने नेटवर्क बनाया है, मैं नहीं समझता कि दुनिया में कुरान पाक की खिदमत कोई और तंजीम इतने बड़े पैमाने पे करती हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, दावत इस्लामी ने, क्योंकि तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, कुरान के पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए मदरसे बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी के 4,000 से ज्यादा मदरसे मौजूद हैं, मदरसे तलबा नहीं, और जिसमें कमोबेश 2,00,000 के करीब बच्चे बगैर किसी फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अब तक 90,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं। यानी अगर मुझे कभी यह ऐलान करना पड़े कि जितने दावत इस्लामी के मदरसों से हाफिज कुरान हुए जमा हो जाएं, तो शायद कोई स्टेडियम मिलेगा नहीं कि 90,000 हाफिज कुरान कहां जमा करेंगे। 2,50,000 के करीब बच्चे वो हैं जिन्होंने नाजरा कुरान खत्म कर लिया है। एक 2-4 साल पहले एक कारकर्दगी आई थी कि सिर्फ कराची पाकिस्तान में जो रमजान में तरावी पढ़ाई थी उसमें 25,000 के करीब हाफिज कुरान वो थे जिन्होंने दावत इस्लामी के मदरसों से हिफ्ज कुरान किया। तो ये कुरान की खिदमत की। अच्छा जनाब ये तो बच्चों में हो गई, अब बड़े कहते हैं यार हम बच्चों के साथ तो नहीं पढ़ेंगे ना, गलती हो गई, नहीं पढ़ सके बचपन में, अब हमें कोई कुरान पढ़ा दे लेकिन बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे। उनका एक्सक्यूज कैसे खत्म किया कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी ने शाम में, रात में, मस्जिदों में मदरसतुल मदीना बालगान बना दिए कि आप अपनी मर्जी से ईशा की नमाज में जाएं मस्जिद में, सिर्फ बड़े लोग होंगे, एक कारी साहब दावत इस्लामी वाले आएंगे 10-15 मिनट में आपको कुरान आपका तलफ़ुज़ ठीक कर देंगे, आपको इंशाल्लाह तजवीद के साथ पढ़ाएंगे। तो ये भी माशाल्लाह हजारों की तादाद में बन गए, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। मगर अब एक और एक्सक्यूज आ गया, बाकी चीज़ों के लिए एक्सक्यूज नहीं होता हमारे पास, इसके लिए होता कि नहीं यार वो दुकान से जरा लेट आते हैं, कारोबार लेट खत्म होता है, बाकी घूमने फिरने डिनर कहीं भी जाना है उसके लिए टाइम निकल ही आता है, कुरान के लिए नहीं होता। बहरहाल तो हम भी शैतान से मुकाबला कर रहे हैं, हमें भी पता है बहाना तो आएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको जबरदस्त तरीके से काउंटर किया और मैं समझता हूं दिस इज द यूनिक वे। दावत इस्लामी ने क्या किया, हमने एक शोबा बनाया मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, फैजान ऑनलाइन एकेडमी, और उसमें क्या किया, वन ऑफ द यू नो यूनिक डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी, हमने ऑनलाइन कुरान पढ़ाना शुरू किया। स्टार्ट लिया था आज से 7-8 साल पहले, अल्लाह ने करम किया, इस वक्त आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के 80 मुल्कों में और 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ रहे हैं। न सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं, दरस निजामी कर रहे हैं, हदीसे पाक पढ़ रहे हैं, बहनें भी पढ़ रही हैं, भाई भी पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप सबको ऑफर करने आया हूं, हमारा पीछे स्टॉल भी मौजूद है, आपकी मर्जी का टाइम, जो टाइम आपके पास है, बहाना आप तो खत्म हो गया ना, रात 12 बजे फारिग हो जाते हैं, 1 बजे रात फारिग हो जाते हैं, सुबह 7 बजे फारिग होते हैं, 24/7 जो टाइम आपके पास है, आपको जाना कहीं नहीं है, मोबाइल फोन आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, अपनी मर्जी का टाइम बताएं, बाहर हमारे इस क्लाइम में बैठे आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपकी मर्जी के टाइम के मुताबिक ऑनलाइन कारी साहब 1-to-1 आपको कुरान पाक पढ़ा देंगे। अब बताओ ऐसे फिंगर टिप पे अगर मुझे कुरान सिखाने वाला कोई मिल जाए, पहले आप तलफ्फुज़ से कुरान पढ़ लें, फिर आप कहें आप मुझे तजवीद भी पढ़ाएं, मुझे आप जरा तफसीर भी पढ़ाएं, वो सब पढ़ाएंगे आप,
आप पढ़ते रहें और कुरान के रोजाना आप कुरान के साथ अटैच हो जाएंगे। सोचो यार, बीइंग अ मुस्लिम मैं पूरे दिन में थोड़ा भी कुरान ना देखूं, लेकिन इस बदर से ऑनलाइन से आपको फायदा ये होगा। अच्छा, सिर्फ आपके लिए नहीं है ये ऑफर, आपकी फैमिली के लिए भी है। इस्लामी बहनों को लेडीज पढ़ाएंगी, जेंट्स को जेंट्स पढ़ाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे घरानों को जानता हूं कि घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बच्चा भी पढ़ रहा है, बच्ची भी पढ़ रही है, माँ भी पढ़ रही है, वालिद भी पढ़ रहे हैं, सब सीख रहे हैं। और इसकी फजीलत पता है क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। तो उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाओ ना। तो आज इस बार का मीलाद थोड़ा सा हटके होना चाहिए। आप मीलाद के महीने में कुरान से अटैच हो जाएं तो जाते हुए हमारे से स्टॉल को विजिट कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मीटिंग से होकर आया हूं और मैं चाह रहा हूं कि आपको भी एक खुशखबरी में पहला अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। ये जस्ट आप यहां आने से पहले मैं वहीं था, शारा फैसल में था, और वहां हम एक मदनी मशवरे में एक मीटिंग में थे। दावत इस्लामी अपना एक डिपार्टमेंट शुरू करने जा रही है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह फिर ये पूरी दुनिया में इसकी कॉपी पेस्ट होगी। और मैंने सोचा कि चलें आज क्लिफ्टन डिफेंस के इज्तिमा में ही इसका अनाउंसमेंट कर दूं, और इसमें अगर कोई खुशनसीब हिस्सा मिलाना चाहे तो वो हमसे रब्ता करे कि ये हम करने जा रहे हैं फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर। वो बच्चे जो माजूर हैं, जो बोल नहीं सकते, या जिनकी हाथ पांव के हवाले से जिस्मानी में माजूरी की प्रॉब्लम है, तो उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए उनकी एक्सरसाइज भी हो, उनकी फिजियोथेरेपी भी हो, और उनको कोई ऐसी चीज़ सिखा दी जाए, हुनर सिखा दिया जाए, ताकि वो ज़माने में मांगने वाले ना बने, वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रोज़गार भी कमा सकें, दीन भी सीख सकें। ये ऐसा काम है, आप जब देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये दुखियारे मुसलमानों की इतनी बड़ी खिदमत है। वो माँ बाप जिनके बच्चे माजूर हैं वो इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट हमने आज फाइनल किया है, और इंशाल्लाह इसको फिर हम ग्रेजुअली ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लेकर जाएंगे। तो ये एक ऐसी नेकी है, अगर आप में से हम शारा फैसल पर हमने एक जगह देखी है, अभी मैं वो जगह देखने गया था, और हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन अभी हमें पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक साल के लिए 50 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट की हमने कॉस्ट बनाई है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पहला प्रोजेक्ट बन गया और उसको हमने चैनल पर जब दिखाना शुरू किया तो फिर इंशाल्लाह आगे हमें डोनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, बीज डालने वाला, दरख लगाने वाला, उसका अजर और होता है। तो आप में से कोई ये नेकी कमाना चाहें तो आप मुझसे या हमारे जिम्मेदारान से बात कर सकते हैं। दुआ कर दें कि अल्लाह पाक दावत इस्लामी को अपने तमाम नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे तमाम जिम्मेदारान का और अहदेदारान का जिन्होंने ये इज्तिमा सजाया। अल्लाह पाक आपको इसकी बेहतरीन जजा अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब।